हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ मटर का पूरी और आलू की सब्जी। तो आटा कैसे गूंदूंगी, मैं 1-2 कप मैदा लिया और 1 कप आटा, थोड़ा सा नमक, नमक दे दीजिए आपका टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा ऑयल मोइन के लिए, अच्छा सा ये करिए, नमक और ऑयल मिक्स करिए। पूरा मैदा में भी कर सकते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा आटा मैदा मिला के नरम भी होता है। ये सर्दी में खाने में मजा है क्योंकि इस टाइम ही मटर भी ताजा ताजा मिलती रहती है। अच्छा से मोइन हो गया, मुट्ठी में आ गया, इसे नहीं भी आएगा तो चलेगा क्योंकि ये तो समोसा नहीं है, फिर भी यार गुनगुना पानी, मैंने गुनगुना से ज्यादा भी हो सकता है तो अच्छा है, नहीं तो गर्म पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। हो गया आटा जैसे ही गूंदा मैं, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के, ज्यादा हो ऐसे लगा के फिर थोड़ा सा रेस्ट में रख देती हूँ। फिर अभी हम लोग मटर का मसाला बनाते हैं। फिर अभी मसाला बना लेते हैं। उसके लिए चाहिए मस्टर्ड ऑयल भी दे सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं, मैं रिफाइंड ऑयल में ही कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं 1 कप का 2 कप मटर लिया था, उसमें गर्म पानी थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा नहीं, उबल आने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के खुला में उसका मैं उबल लिया था, ढाका नहीं था क्योंकि ढाकने के लिए फिर ग्रीन कलर हट जाता है उसका, तो इसलिए थोड़ा सा शक्कर दे के मैं उबाल लिया, फिर छान के रख दिया था। पीस भी लिया मैं ऐसे एकदम बारीक, 2 मिर्ची है और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हींग, जिसको पसंद नहीं वो नहीं भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा, ज्यादा नहीं, सौंफ की पाउडर, अखा सौंफ भी दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा पाउडर दे रही हूँ उसमें। अभी ये डाल दूंगी, ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले उबाल लिया था। जिसका मेल का कुछ मतलब ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो कच्चा भी पीस के ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा 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 जीरा और धनिया का पाउडर, ज्यादा नहीं, सौंफ, अभी थोड़ा सा फिर से सौंफ, थोड़ा सा हल्दी, ज्यादा ये ग्रीन कलर हो जाएगी, थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर, मैं ऑलरेडी ग्रीन चिली डाला है, अभी नमक दे रही हूँ, पहले नमक नहीं दिया था मैं। मैं गरम मसाला मैं नहीं दूंगी क्योंकि हींग दिया, इसलिए मुझे गरम मसाला पसंद नहीं है, आप कोई भी डाल सकते हैं।
मसाला हो गया, फिर इसको ठंडे होने दे रही हूँ, फिर हम लोग आलू का सब्जी बनाते हैं। अभी आलू का सब्जी बना रहे तो मस्टर्ड ऑयल दिया मैं। मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं तो रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हींग दिया, फिर थोड़ा सा जीरा, अदरक कुटी हुई अदरक, जीरा, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, कश्मीरी रेड चिली, किसी को ज्यादा तीखा पसंद है तो ऐसे ही चिली डाल सकते हैं। और आलू पहले ही उबाल लिया था, फिर हाथ से मैं तोड़ दी। टमाटर, इसमें मटर भी मिला सकते हैं। इसमें कभी कभी थोड़ा सा चेंज करने के लिए पाव भाजी मसाला मिला दीजिए, उसका टेस्ट अलग हो जाएगी। हाँ, नहीं तो दाम आलू का जो ये आता है मसाला आता है वो भी दे सकते हैं। कभी दाल माखनी का जो आता है वो भी कभी कभी डाल दीजिए, पूरा चेंज हो जाएगी। मैगी मसाला भी दे सकते हैं, वो भी मतलब अलग अलग ये चाहिए तो टेस्ट चाहिए तो। मैं अभी दे रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, बस हो गया। इसमें मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं डालती हूँ, जल्दी भी हो जाती है। हरी मिर्च दे सकते हैं, मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुंह में बच्चे का आएगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहीं डाला, तो कोई डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा उबाल आने दूंगी, फिर बंद कर दूंगी। बस अभी हो गया, धनिया पत्ता दे के इसके साइड में कर लीजिए। तो फिर पूरी का तैयारी कर दी। ऐसे भी बेल भी कर सकते हैं, वैसे थोड़ा सा छोटा बेल लीजिए, फिर अंदर भर के फिर ऐसे ऐसे करके मोड़ लेंगे। फिर इसको नीचे थोड़ा सा ऑयल में लगाया इसमें, ज्यादा पतला करने की जरूरत नहीं है। फिर
लीजिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाएंगे। फिर और एक फिर ऐसे हाथ में ऐसे करके ऐसे भी डाल सकते हैं आप, ज्यादा मत भरिए क्योंकि फिर फटने का चांसेस है। ऐसे पूरी नहीं तो मसाला आपका पराठा में भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं आलू का पराठा, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो रोटी भी कर सकते हैं, मतलब सेक के फिर बाद में घी लगा के, वो भी अच्छा लगता है खाने में। जिसको ज्यादा मतलब ऑयल पसंद नहीं है, रोटी भी अच्छा लगता है। अरे सर्दी में ही खाने में ज्यादा मजा है। सब्जी के साथ थोड़ा सा साइड करके तेल निकाल लीजिए, नहीं तो तेल आ जाएगी फिर। टिश्यू में तो रखिए, फिर तो एक्स्ट्रा तेल जो है निकाल ही जाएगी। आज का हो गया रेडी आलू का सब्जी और मटर का पूरी। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।